तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं इस तरह। आपको सिर्फ इस एयर फिल्टर को निकाल करके अगर से अंदर कर दीजिए और इस तरह से ऊपर की बॉडी भी निकाल सकते हैं। पीसीबी लगी है, लॉक वगैरह पे लगी होगी, पिनों को बाहर निकाल लेना, जितने ऑटोमेटिक तरीके से पानी साइड में जाता है, इसका प्रभाव न पड़े। इस तरह से हम इसको भी निकालते हैं, मोटर भी निकल सकता है बिना एलन की ये निकलेगा नहीं। देखिए नहीं बचा, सब कुछ निकाल करके हम, जब भी आपको छोटा मोटा कोई काम लूज पे भी थी, जाली को निकालना नीचे की साइड में, ऊपर की बॉडी यहाँ से निकल जाएगी। खोलिया और सभी स्क्रू इसके अंदर दिखाइएगा, ये देखिए, ये देखते हैं, देखिए कुछ नहीं रुका हुआ है, ये देखिए हमने पूरा सेट इसका निकाल दिया। तो चलिए आज हम आपको स्प्लिट एसी के अंदर की चीजों को दिखाएंगे कि ये जो हमारी स्प्लिट एसी है इसके अंदर क्या-क्या होता है। इसका चाहे इंडोर हो, चाहे इसका आउटडोर हो, चाहे वो कोई भी स्प्लिट एसी हो, अगर कोई पार्ट इसके अंदर नहीं दिखा तो हम इसको भी खोल सकते हैं, इसके अंदर भी देख सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये भी स्प्लिट एसी का आउटडोर है, ये भी देख सकते हैं, स्प्लिट एसी के ही अंतर्गत आता है, और यहां भी स्प्लिट एसी और ये भी स्प्लिट एसी। लेकिन सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के लिए हमने ले लिया दो स्क्रू ड्राइवर और ले लिया एक टी रिंच और एक प्लायर। मात्र इतने टूल्स की वजह से आप स्प्लिट एसी के एकदम नस नस को जान सकते हैं कि इसके अंदर कहां पे क्या होता है। तो आ जाइए इधर से और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे स्प्लिट एसी का, इसको हम बोलते हैं इनडोर। इनडोर का मतलब समझते हैं, स्प्लिट एसी का वह भाग जो कमरे के अंदर लगता है उसे इनडोर यूनिट कहते हैं, और जो कमरे के बाहर लगता है उसे आउटडोर यूनिट कहते हैं। चाहे ये देखिए आउटडोर यूनिट। तो अभी अगर इसको ओपन करना है कभी किसी को, तो शुरुआत कहां से करें, किस प्रकार से इसकी सर्विस करें, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं उनके बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले ओपन करने के लिए आप देखेंगे कि ये ऊपर से ओपन करना होगा, और यहां साइड में पॉइंटर बने होते हैं ऐसे उठाने के लिए, लॉक पे लगा होता है। ऊपर का यह बॉडी खोलने के लिए कोई भी स्क्रू खोलने की जरूरत नहीं है, ये सब लॉक पे लगे होते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं, इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर क्या दिखने वाला है, ये है इसकी जाली, और जिसको हम बोलते हैं एयर फिल्टर। एयर का मतलब हवा, फिल्टर का मतलब छानने वाला, यानी हवा को छानने वाला फिल्टर एयर फिल्टर होता है। इसका काम क्या होता है कि जब यह एसी चलेगी तो कमरे की हवा को खींचेगी, और जब कमरे की हवा को खींचेगी ना तो उसके बाद जाएगा एयर फिल्टर में, और हवा के साथ साथ ये धूल मिट्टी भी तो खींचेगी ना। कमरे की हवा को जब खींचेगी तो हवा के साथ धूल मिट्टी भी अंदर आएगी, उसको छानकर ये शुद्ध करेगा, मतलब जो भी धूल मिट्टी होगी वह यहीं पे रुकी रहेगी। तो सबसे पहले इस एयर फिल्टर को हमें निकालना है। अगर स्प्लिट एसी का आप सर्विस करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इस एयर फिल्टर को निकाल करके अगर साफ कर देंगे तो समझिए कि 50% एसी की सर्विस हो गई। इस प्रकार से देखिए निकालना इसको आसान होता है, ये लॉक पे लगा होता है, इसी तरह से इसको निकाल लेना। अब इस पे पूरी धूल मिट्टी जमी होगी, आप इसको साफ करिए और लगा दीजिए वापस से, 50% सर्विस समझिए हो गई। बाकी अगर बढ़िया से करना तो ये एवापोरेटर भी धुलना होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो ऊपर का पार्ट है ना इसको भी हमें निकालना था, ये भी यहां के अंदर देख सकते हैं ये लॉक पे होता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसके दोनों किनारे में यहां पर लॉक है, यहां पर लॉक है, तो इसके लॉक पे लगा होता है, तो ये ऊपर का भाग भी इस तरह से निकल जाएगा। हम रख देते हैं साइड में। सबसे पहले ये ऊपर का ग्रिल हो गया, और ये हो गया इसका एयर फिल्टर, यानी जो हवा को छान के शुद्ध करेगा। उसके बाद इसके अंदर का पार्ट दिखाते, देखिए ये जो ऊपर की बॉडी है ना, अब इसको खोलने की जरूरत है। कैसे खोलेंगे, इधर से दिखाइए। सबसे पहले यहां पे इसमें होता है स्क्रू, इन स्क्रूपों को हमें खोलना होगा, और खोलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर लगेगा वो स्टार में लगेगा। तो यहां पर देखिए एक स्क्रू यहां है, इस स्क्रू को हमें ओपन करना है। इसके अंदर टोटल 3 स्क्रू है, और कोई भी एसी हो सभी के अंदर का स्क्रू जो है वो यही होते हैं, संख्या कम या ज्यादा 2 या 3 हो सकती है, लेकिन स्क्रू का जो जगह है वो यहीं पर होती है। तो इसको भी देखिए हमने ओपन कर लिया, और एक स्क्रू यहां पर भी है, इसमें देखिए नॉर्मल स्क्रू किसी ने लगा दिया माइनस वाला, तो इस तरह से हम इसको भी खोल लेते हैं। ये तीनों स्क्रू को हमें यहां से खोल करके निकाल लेना है इस तरह से, और स्क्रू खोलने के बाद अब अगर इसके ऊपर वाली बॉडी को भी हम निकाले ना, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरह से निकालना है, और इस तरह से हमें निकल जाएगा ये स्क्रू के साथ। और अगर डिस्प्ले डिस्टर्ब करे, ये अगर है ना डिस्टर्ब अगर बहुत करती है, अगर ये डिस्टर्ब करे तो आप, अगर ये क्लिप है तो क्लिप निकाल दीजिए, अगर नॉर्मल है तो इसको यहां से अंदर कर दीजिए, और इस तरह से ऊपर की बॉडी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या बचा, ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एवापोरेटर। एवापोरेटर का मतलब होता है कूलिंग क्वाइल के नाम से भी जाना जाता है। कूलिंग क्वाइल का मतलब यही वो भाग है जो ठंडा करता है, मेन जिसकी हमें जरूरत है वो यही है एवापोरेटर। ये एवापोरेटर कौन सा है,
फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर, जिस प्रकार से हमारे विंडो एसी के अंदर फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है, ये भी वही एवापोरेटर है, लेकिन डिफरेंट है कि वो ऐसे चौकोर में होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये पतला और लंबा होता है, ये भी है इसका एवापोरेटर। अब देखिए, इसके डिस्प्ले वगैरह को निकालने के लिए, पीसीबी का पॉइंट निकालने के लिए, अगर इसके ऊपर ऐसे कोई बॉक्स लगा है तो उसको खोल सकते हैं, नहीं तो सारे इलेक्ट्रिक पार्ट, चाहे मोटर हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे स्विंग मोटर हो, चाहे फैन मोटर हो, वो सब यही लगा होता है, इतने दूर में सब इलेक्ट्रिक भाग खत्म। देखिए, ये डिस्प्ले निकाल लेना है और इसके अंदर जो पीसीबी लगी है, लॉक वगैरह पे लगी होगी, वो सब आपको निकाल लेना है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर वगैरह भी निकाल लेना है। आगे इसकी हम आपको वायरिंग समझाएंगे, लेकिन अभी समझिए इसके अंदर। देखिए, ये सेंसर वायर है जो कि यहां क्वाइल में लगा हुआ है, देख सकते हैं ये क्वाइल है ना, क्वाइल का मतलब ये एवापोरेटर है, इसके क्वाइल में गया है, मतलब ये क्वाइल को सेंस करेगा कि ये जो एवापोरेटर की पाइपें हैं वो कितनी ठंडी होती है, ये उसको सेंस करता है, इसलिए ये क्वाइल सेंसर है। एक सेंसर और है यहां पर, देखिए ये रूम सेंसर है। रूम सेंसर का मतलब जब कमरे की हवा यहां खींचता है ना, ये बाहर लगा रहता है, इसे पहले में इंतजार करता है कि अच्छा हवा आ रही है तो इसमें टकराएगी, और अगर टकराएगी तो कितना टकरा रही, कितनी ठंडी टकरा रही, गर्म टकरा रही, ये बताएगा इसके डिस्प्ले को, इसके पीसीबी को बताएगा, तब डिस्प्ले में शो करेगा, तभी ये बताता है, मतलब समझ रहे हैं, ये सिक्योरिटी लगा हुआ है, ये बताता है कि कमरे की जो हवा आ रही है वो इस टेंपरेचर पे आ रही है। तो दो सेंसर इसके अंदर हमने आपको दिखा दिया। अब देखिए, सेंसर वायर को भी लॉक पे होता है, इसको भी निकाल लेना है, और सभी कुछ इसके अंदर से निकाल लेना है। अब इसके पीसीबी के अंदर ये जो जंक्शन पॉइंट है, इसको भी हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं, और भी पॉइंट है जो भी हमारे, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, सभी पॉइंटों को बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहे, अगर आपको भूलने का डर हो तो इसमें से फोटो भी खींच सकते हैं, बाकी हम इसकी वायरिंग आपको आगे समझाएंगे। इस तरह से देखिए, हमने क्या करना, सभी पिनों को बाहर निकाल लेना, जितने भी हैं सभी को यहां से हमने बाहर निकाल लिया, पीसीबी को रख दिया साइड में, डिस्प्ले को निकाल करके भी रख दिया साइड में, इसके अंदर मोटर वगैरह के जो वायर है वो तो ये रहे। अब अगर इसके, मान लीजिए कि हमें इस एवापोरेटर को निकाल के लगाना है दूसरा, अगर पीसीबी बदलना है तो अब तो हमारा इतने में काम हो जाएगा, और हम पीसीबी बदल सकते हैं, एयर फिल्टर बदलना है तो बदल सकते हैं, ऊपर की ग्रिल बदलना है तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर एवापोरेटर बदलना है तब तो इसको भी हमें खोलना होगा ना। इसको खोलने के लिए देखते हैं कि इसके अंदर कहां स्क्रूप लगा हुआ है, देख सकते हैं, सबसे पहले एक साइड में इधर स्क्रूप हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर स्क्रूप लगा है, उधर से आइए नजदीक से देखते हैं, ये देखिए एक स्क्रूप है यहां पर, ये जो स्क्रूप है ये मोटर के साथ है, तो पहले हम इसी स्क्रूप को निकाल देते हैं ताकि ये मोटर का पॉइंटर भी ढीला हो जाएगा, बाकी हमारा ब्लोअर फैन निकलने में भी आसानी हो जाएगी, तो इसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। एक चीज और आपको चाहे तो यही दिखा देते हैं कि जो फिल्टर, जो हमारे एसी से पानी टपकता है, वो पानी को पहले हमें एसी को ऐसे लगाना पड़ता था कि थोड़ा सा ढाल रहे। स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन में यह बताया जाता था कि एसी अगर दीवार पर लगाते हैं तो उसमें से पानी टपकता है, वो पानी कमरे में न टपकने लगे इसके लिए थोड़ा सा हमें ढाल बना के लगाना चाहिए। अगर ढाल बना के लगाएंगे तो पानी निकल के नीचे जाएगा, इसमें रास्ता बना होता है, पाइप के सहारे पीछे निकल जाएगा, लेकिन पहले वो किया जाता था। अब के टाइम में क्या हुआ, स्प्लिट एसी के अंदर जो नाली जैसा है वही पोजीशन ऐसा टेढ़ा बना दिया गया कि ऑटोमेटिक तरीके से पानी साइड में जाता है। देखिए ये वो पॉइंट है, एवापोरेटर का टपका हुआ पानी इसमें गिरता है और यहां से निकल करके देखिए ये पाइप का पॉइंट है ना, इधर भी पाइप का पॉइंट है, जिधर आप चाहे उधर इसको ले सकते हैं या ढाल बना करके ले सकते हैं। वैसे ये सभी में एक ही साइड में दिया होता है, एक साइड में ये जगह नहीं होती है, तो इस तरह से एवापोरेटर का टपका हुआ पानी एक तरफ गिराने के लिए लगा होता है, और इसी के अंदर इसमें लगा है देखिए स्विंग मोटर भी। स्विंग मोटर का मतलब जो ग्रिल को ऊपर नीचे करने का काम करता है, ये वो मोटर है, स्विंग मोटर जो ग्रिल को ऊपर नीचे करता है, इसको भी हम निकाल के हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर बचा क्या, एवापोरेटर। एवापोरेटर निकालने के लिए देखते हैं इसके अंदर से क्या निकालना होगा, कौन सा स्क्रू खोलने की जरूरत पड़ सकती है। यहां पर देखिए, इधर इसके बॉडी को भी हम यहां से निकाल लेते हैं, अगर इसके ऊपर यहां पे स्क्रू मिले तो आप इस स्क्रू को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बाकी यहां पर हम इसको क्या करें, निकाल देते हैं इस तरह से। देखिए ये भी बैठा हुआ था, आसानी से निकल गया। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसका है मोटर, मोटर मतलब ये ब्लोअर फैन मोटर, कितना छोटा मोटर है ना, लेकिन पूरे ब्लोअर को चलाता है। हम ब्लोअर आपको दिखाते हैं, पहले एवापोरेटर को बाहर निकालें। एवापोरेटर निकालने के लिए ये देख रहे हैं, ये पाइप है एवापोरेटर की, और इस पाइप के ऊपर फोम का बांधा गया ताकि कूलिंग पे जो बाहर का टेम्परेचर है उसका प्रभाव ना पड़े। इस तरह से हम इसको भी निकालते हैं, और देखिए इस तरह से निकालते हैं, और ये रहा हमारा एवापोरेटर। अब देखिए एवापोरेटर कैसा है, ये एवापोरेटर आप इसको आसानी से बदल सकते हैं, दूसरा लगाना है लगा सकते हैं। और देखिए, जो हमारी कोई भी फ्रिज हो,
चाहे एसी हो, ठंडा तो उसमें एवापोरेटर ही करता, और एवापोरेटर में तार या पाइपों को जोड़ने के लिए इनपुट और आउटपुट दो ही होते हैं, तो इसके अंदर भी दो पाइपें हैं। एक पाइप आपको पतली दिख रही है, एक मोटी दिख रही है ना, तो जो पतली है वो इनपुट है, यानी उससे गैस इसमें आएगी, और जो आउटपुट है जिससे गैस जाएगी कंप्रेसर के सक्शन लाइन में, वो वाली पाइप मोटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटी और पतली पाइपें हैं, और मोटा चूड़ीदार नट भी लगा हुआ है, यहाँ पे यूनियन भी लगा हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों पाइपें हैं, और कोई भी एवापोरेटर हो, एवापोरेटर तो एवापोरेटर होता है ना, जैसे चाहे फ्रिज का समझिए, चाहे एसी का समझिए, चाहे वाटर कूलर का, चाहे डीप फ्रीजर का, हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसका एवापोरेटर इसी तरह से होता है। उसमें दो ही पाइपें होती है, एक से गैस इन होती है, दूसरे से आउट होती है। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम होता है, सिर्फ इसमें गैस का संचार होता है। तो इसके एवापोरेटर को भी हम रख देते हैं यहां पर, और इसके अंदर अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए क्या है, देख रहे हैं ना, ये है इसका ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन मतलब समझिए, यही तो मेन कलाकारी है, यही वो फैन है जो कमरे की गर्म हवा को खींच करके और ठंडी हवा फेंकता है, कमरे की गर्म हवा को खींच के ठंडी हवा फेंकता है। देखिए कितना बड़ा फैन है, ये इतना बड़ा फैन है, लेकिन इसको चलाने के लिए मोटर जो लगा है, देखिए ये छोटा सा मोटर लगा है। अब अगर इस मोटर को कभी चेंज करना पड़ जाए तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसके लिए यहां पर स्क्रूप लगे हुए हैं, यहां पर ये स्क्रूप है ना, इस मोटर को दबा के पकड़ा हुआ स्क्रूप है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको भी ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। तो देखिए इस स्क्रूप को खोलने के बाद ये मोटर अब निकलेगा, और देखिए एक साइड में स्क्रूप है और दूसरी साइड में यहां पर देख सकते हैं ये किस प्रकार से लॉक लगा है, ऐसे निकालना, ये कोने का लॉक था, इस तरह से लॉक लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से इधर साइड से भी हमारा ये निकल गया है, स्क्रूप पे नहीं था, अब ये मोटर भी निकल सकता है, और देखिए ये ब्लोअर फैन भी निकल सकता है। लेकिन अभी देखिए ये नहीं निकल रहा है ना, इसको खोलने के लिए अब देखिए ये मोटर है और मोटर के ऊपर ये ब्लोअर फैन है। अब देखिए ये मोटर है और मोटर के ऊपर ब्लोअर फैन है। अगर इसको हम खोलना चाहते हैं तो इसको खोलने के लिए हमें एक एलन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो स्क्रूप लगा है ना वो नॉर्मल स्क्रूप नहीं है, एलन की से खुलने वाला स्क्रूप है। तो हमने ले लिया टपारिया का एलन की का सेट, और इसके अंदर जो साइज लगने वाली है वो सबसे छोटी लगेगी। देखते हैं 2.5 mm की एलन की लग जाती है कि नहीं। यहां पर देखिए एक एलन की में हमने टेप लगा के रखा है ना, इसका यूज ज्यादा होता है इसलिए हमने टेप लगा दिया। और इसके आउटडोर में कौन सी एलन की लगती है अभी हम उसको समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी एलन की लगती है। तो देखिए इसके अंदर एलन की सबसे पतली साइज का लग सकती है, यहां पर देख सकते हैं ये वाली सेकेंड नंबर की जो है वही लग गई इसके अंदर। अब हमें इसको क्या करना है, ओपन करना है। देखिए इस तरह से एलन की लगाए, यहां पर देख सकते हैं कि ये नट है और इस नट में एलन की यहां पर हमने लगा दिया, और इसको इस तरह से घुमा करके इसको ढीला करना है। इसको नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से भी नहीं खोला जा सकता, इसको पेचकस से भी नहीं खोला जा सकता, बिना एलन की कि ये निकलेगा नहीं। देखिए इस तरह से खुला और एलन की का ये स्क्रू है, इसको थोड़ा सा टाइट कर दे, खुल गया तो गिर भी सकता है। ये हमारा है ब्लोअर फैन, इसको भी टूट जाने पर बदलने की जरूरत पड़ती है, इसको भी हम बदल सकते हैं। इसके अलावा मेन चीज देखिए, ये सारे पार्ट हो गए हमारे, इसके अलावा इसके अंदर मेन चीज एलन की को यहां पर पहले हम रख देते हैं। मेन चीज जो है ये हमारा मोटर, अब अगर इस मोटर को बदलने की जरूरत पड़े तो बड़े ही आसानी से मोटर को बदल सकते हैं, दोबारा फिर से भर सकते हैं, दोबारा फिर से जिस प्रकार से निकाले सेम वैसे ही लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये मोटर लगा सकते हैं। अब इसके अलावा ये बचा ही क्या यार, ये तो बॉडी है प्लास्टिक की, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ निकाल करके हमने यहां पर अलग अलग आपको करके दिखा दिया। अब चलिए आउटडोर का नंबर है, हम ओपन करते हैं एक आउटडोर, अगर इसमें कुछ पार्टों की कमी दिखी तो हम आगे दूसरा आउटडोर भी ओपन कर सकते हैं। यहां पर यह हमारा है आउटडोर, इसको सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की मदद से जितने भी स्क्रूप लगे हैं सभी को हम फटाफट से खोल लेते हैं। यहां से देखिए हमने एक स्क्रूप को खोल लिया, इसी तरह से ये दूसरा स्क्रूप है, हम इसको भी खोल लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये दूसरा स्क्रूप है, इसको भी हम खोल लेते हैं। यहां पर जितने भी स्क्रूप लगे हों उन सभी को खोल लेते हैं। यहां पर एक और स्क्रूप है साइड में, ये सभी तरफ स्क्रूप लगे होते हैं ज्यादा से ज्यादा। और आप भी अगर कभी किसी एसी का स्क्रूप निकालिए तो दोबारा जितने निकालते हैं हो सके तो उससे अधिक ही लगाइए, मतलब जगह मिले तब। और यहां पर देखिए हम सभी स्क्रूप को खोल लेते हैं और ये निकल गया, सभी स्क्रूप ओपन हो गए। अब हमें इसके ऊपर की बॉडी को निकालना होगा, ये बॉडी ओपन, और देख सकते हैं इसके अंदर कोई स्क्रूप और भी है अभी लग रहा है, देखिए यहां पर है इस साइड में। तो जितने भी स्क्रूप हैं सभी को खोल लेना है, हम यहां से ऊपर से खोल लेते हैं इन सभी स्क्रूप को बिल्कुल लाइव, और यहां पर देख सकते हैं ये स्क्रूप को भी हमने खोल लिया। अब सबसे पहले ऊपर के ढक्कन हटाते हैं, जब भी आपको छोटा मोटा कोई काम करना हो तो ये केवल ऊपर का ढक्कन हटाइए और काम हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसको खोल के साइड में रख देते हैं,
रख दिया। अब देखिए इसके अंदर दिख क्या रहा है, ओ भाई बहुत दिनों का खोला हुआ, देख रहे हैं धूल मिट्टी इसके अंदर जमी हुई है। तो चलिए आज इसी बहाने इसकी सफाई भी हो जाएगी और हम लोग इसको ओपन कर देंगे। तो ये रहा इसमें कंप्रेसर और इसकी जो बॉडी है, पहले तो हम उसको भी खोल देते हैं, आपको एक तरफ से दिखाने वाले हैं। भाई देखिए ये इसकी जाली है, देखिए यहां कहां लगी हुई है, देखिए किस तरह से ये इस तरह से जाली होती है जो हमारे फैन कंडेंसर फैन पे होती है। ये बिल्कुल सामने खुला रहे तो देखिए ऐसे भी काम कर लेगा, वो देख रहे हैं वहां पे वाली स्प्लिट एसी का आउटडोर वैसे ही खुला और वो भी काम करता है। लेकिन ये भी देखिए ऐसे उसके ऊपर जाली लगी होती है, इसी तरह से जाली उस पर भी थी। जाली को निकालना है तो देखिए ये लॉक है, ये लॉक का पॉइंट है, इन्हीं लॉकों पे जाली हमारी लगी होती है। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। अब इसके अलावा इसके अंदर देखते हैं कि किधर किधर स्क्रूप लगे हैं, सभी स्क्रूप को खोल देते हैं। यहां से देखिए ये स्क्रूप है, इसको भी हम खोल देते हैं। ये दूसरा स्क्रूप है, इसको भी ओपन कर देते हैं। इन दोनों स्क्रूप को ओपन करने के बाद देखते हैं कि और किस तरफ स्क्रूप है। यहां से नीचे की साइड में भी देख सकते हैं, यहां भी स्क्रूप है। तो जहां जहां आपको स्क्रूप दिखाई दे सभी स्क्रूप को खोलना पड़ेगा, जितने भी स्क्रूप है साइड में हो चाहे किसी भी तरफ हो, यहां से सभी स्क्रूप को ओपन करना होगा। तो हम इसको भी खोल लेते हैं, जितने भी स्क्रूप दिख रहे हैं, इतने स्क्रूप हमने इसके अंदर बहुत सारे खोल भी लिए, अभी भी इसके अंदर और भी स्क्रूप है। तो देखिए एक साइड में यहां पर स्क्रूप, इसको भी खोल लेते हैं, और इसके नीचे भी स्क्रूप है, यहां भी खोल लेते हैं, ये भी स्क्रूप खोलिए। अब देखते हैं ये साइड वाला निकल पाता है या नहीं, या इसके साथ अभी और भी कहीं स्क्रूप है, और स्क्रूप तो नहीं है लेकिन ये लॉक पे लगा हुआ है, तो इसको भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए लॉक पे भी है। इस स्क्रूप को खोलने के लिए देखिए हम सबसे पहले इधर से मोड़ लेते हैं और देखते हैं कि देखिए यहां पर लॉक पे लगा हुआ था, इस लॉक को हमें पहले सीधा कर लेना होगा और इस लॉक को हमें दूसरी तरफ मोड़ करके इस तरह से, और इसको हमें निकाल लेना होगा। तो यहां पर हमने इसको भी निकाल लिया और ये दोनों तरफ है, देखिए यहां पर भी है नीचे की साइड में, तो इसमें से भी निकाल लिया। तो हमने साइड का आधा पॉइंट तो और भी निकाल लिया, अभी थोड़ा सा इसके अंदर और बचा है। चलिए ये सामने का जो लगा है ना, इसको भी निकालते हैं और इसका भी काम खत्म करते हैं, और इसके अंदर दिखाते हैं कि फिर कैसे इसका मोटर निकालेंगे, कैसे कंडेंसर निकालेंगे, कैसे कंप्रेसर निकालेंगे, कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस निकालेंगे इसका, कैसे इनलेट आउटलेट की दोनों पाइपों को निकालेंगे, उन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जितने भी स्क्रूप लगे हैं सभी को खोज खोज करके, चुन चुन करके, एक को भी नहीं छोड़ना है और सभी को बाहर निकाल लेना है। यहां पर देख सकते हैं हमने इन सभी स्क्रूप को निकाल लिया। अब ये साइड का पॉइंट बचा, एक स्क्रूप लग रहा है इसके अंदर और अभी कहीं पे छुप के बचा हुआ है, इसको भी निकालते हैं। देखिए यहां पर है एक स्क्रूप, इधर और है, इसको भी हम निकाल लेते हैं यहां से स्क्रूप को खोल करके। अब देखिए ये स्क्रूप दोनों इधर साइड कर देते हैं। अब देखिए ये ऊपर की बॉडी यहां से निकल जाएगी, अब ये भी निकल गया, इसको भी उठा के रख देते हैं साइड में, जो भी इसका पार्ट है सब साइड में उठा के रखते हैं। अब देखिए ये दिख क्या रहा है, अब इसके अंदर की चीजों को दिखाते हैं। ये देखिए क्या इसका, इसको बोलते हैं कंडेंसर फैन, मतलब ये जो कंडेंसर होता है ना, ये जो कंडेंसर की पाइपें हैं इसको ठंडा करने के लिए इस फैन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब ये चलता है तो ये पाइपें गर्म होती हैं, कमरे की जो गर्म हवा है वो यहीं तो आती है और उसी को ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा होता है जिसे हम बोलते हैं कंडेंसर फैन। ये जो कंडेंसर फैन होता है ना, ये हाई मीडियम लो स्पीड में नहीं चलता, ये एक ही स्पीड में चलता है, क्योंकि आउटडोर का भाग है, छत में लगा होता है ना, उसको हाई मीडियम लो से क्या मतलब है, ऊपर कौन देखने जा रहा है। तो हाई स्पीड में ये हमेशा चलता है, एक ही स्पीड में, मतलब सिंगल स्पीड में। अब देखिए इसके अंदर क्या बचा, अगर इसके मोटर को निकालना हो तो देखते हैं कि कहां से निकलेगा। ये लॉक पे है, इस तरह से देखिए ये भी खुल जाएगा और मोटर निकालना हो जाएगा और भी आसान। और यहां पर देखिए इसके अंदर स्क्रूप से खोलने के लिए पॉइंटर बना हुआ है और बिल्कुल जाम लग रहा है, तो कोशिश करते हैं इसको खोलने के लिए। तो देखिए ये तो खुल गया बड़े ही आसानी से, जाम भले था लेकिन खुल गया आसानी से। कभी कभी ऐसे भी स्क्रूप होते हैं ना, अच्छे स्क्रूप होते हैं कि जाम भले हो जाए लेकिन खुल जाते हैं बड़े आसानी से, और एक एक थे होते हैं तो बहुत टाइट होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये स्क्रूप हमारा ओपन हो रहा है और इसको भी हमने खोल लिया, यहां साइड में रख दिया। इसके अंदर एक स्क्रूप और है, दो स्क्रूप लगा हुआ है, इसको भी देखते हैं कि ये किस प्रकार से खुलता है। तो देखिए ये भी खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस स्क्रूप को भी हमने खोल लिया और सभी स्क्रूप इसके अंदर से निकल गए हैं और ये निकल गया हमारा फैन मोटर। अब देखिए ये फैन मोटर भी इसमें से हमारा निकल गया। अगर इस मोटर को भी खोल करके बाहर निकालना है तो ये मोटर लगा है चार स्क्रूपों पर, यहां नजदीक से दिखाइएगा। ये देखिए एक स्क्रूप, दो स्क्रूप, तीन स्क्रूप और ये चार स्क्रूप, और ये है मोटर की हमारी लीड। और इन स्क्रूप को खोलने के लिए अगर हम खोलना चाहें तो ये स्क्रू ड्राइवर का सहारा ले सकते हैं और यहां से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये भी देखिए खुल जा रहा है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, बड़े आसानी से खुल जा रहा है और इस स्क्रू पे तो जंग भी नहीं लगी है। तो यानी कि ये जो स्क्रू है अगर खोलना चाहे तो इस तरह से हम खोल सकते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये मोटर अगर निकाल लेंगे तो कैसा दिखने वाला है। तो यहां से देखिए इसको भी हमने खोल लिया, दोनों स्क्रू खुल गए हैं, तीसरा खोलने जा रहे हैं। ये तीसरा स्क्रू भी खोल लेते हैं, खुल गया।
और एक स्क्रूप इसके अंदर अभी और होगा, ये भी हमने तीसरा भी खोल लिया, और चौथा एक स्क्रूप इसके अंदर और है, वो भी खोल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्क्रूप बचा हुआ है, तो इसको भी हमने खोल लिया और ये स्क्रूप भी खुल गया। इस तरह से देखिए ये हमारे सभी स्क्रूप खुल गए हैं, और ये मेन लीड का जो पॉइंट है इसके तार को हमें बचाना होगा, और ये पत्तियां मुड़ी हुई हैं, इस पत्तियों को सीधा करना होगा। देखते हैं ये पत्ती है और पत्तियों से ये तार को मोड़ा गया है, तो देखिए इसको सीधा कर लिया और ये लीड निकल जाएगी हमारी, और लीड निकलेगी तभी तो ये मोटर निकलेगा। तो इस तरह से देखिए ये स्टैंड इसका हम निकाल दिए और ये निकाल दिए इसका मोटर। अब देखिए इस मोटर को आसानी से, इस प्रकार का हमारा मोटर है, काफी हवा दे रहा है, गर्मी भी हो गई, थोड़ी हवा ले लेते हैं, तो ये काफी हवा देता है ये मोटर, देखिए हमारा ये है, और इसको हम बोलते हैं कंडेंसर फैन मोटर। और इस मोटर से तारों की संख्या देखिए सिर्फ 3, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। हमने पहले बताया था ये जो मोटर होता है सिर्फ एक स्पीड का होता है, इसमें हाई, मीडियम, लो नहीं होता, सिंगल स्पीड का ये फैन मोटर होता है। अब देखिए इसको तो हमने निकाल दिया, अगर इसके कंप्रेसर को बदलना पड़े तो कंप्रेसर भी बदल सकते हैं, जो भी इसके वेल्डिंग की हुई पाइपें हैं वहां से हम इसको खोल सकते हैं। और अगर इसके अंदर दो चीज और महत्वपूर्ण होता है जो कि यहां पर है, जिसमें सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर दो वाल्व होते हैं, जिसमें सक्शन वाल्व होता है मोटा होता है तगड़ा होता है, और डिस्चार्ज वाल्व थोड़ी पतला होता है कमजोर होता है, इस तरह से वाल्व होता है। और अगर इसको खोलना होगा तो हमें जो रिंच की जरूरत पड़ेगी वो रिंच लगता है ये टी रिंच, और ये नंबर आता है 10 नंबर का, 12 एम नंबर का, एमएम के हिसाब से ये गोटी अलग आती है ना, तो ये टी रिंच लगा करके इसको खोलना होगा अगर खोलना चाहेंगे तो। और देखते हैं कौन सा लगता है, तो देखिए इसमें 10 नंबर का रिंच लग गया, यानी 10 एमएम वाला टी रिंच लग गया इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं, और एक नट को यहाँ पर हमने खोल लिया, और ये जो वाल्व अभी हम खोल रहे हैं इसी वाल्व को हम बोलते हैं डिस्चार्ज वाल्व, यानी कि एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से निकला हुआ वाल्व है, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कभी कभी ये वाल्व बदलने की भी जरूरत पड़ जाती है तो आपको ये खोलने की जरूरत पड़ सकती है, तो इस तरह से आप इस वाल्व को निकाल सकते हैं। देखिए हमने निकाल दिया और दोनों को खोल दिया, अब इसके अंदर जो सक्शन वाल्व है उसको भी खोल लेते हैं, और उसमें भी यही हमारा 10 नंबर वाला टी रिंच लग जाएगा, तो टी पाना बोल सकते हैं इसको, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, बाकी यहां पर टी रिंच के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहां पर देखिए दूसरी साइड में, यानी एक एक वाल्व को लगाने के लिए दो स्क्रूप इसके अंदर लगे हुए हैं, हम इसको भी खोल लेते हैं और दिखाते हैं आपको। यहां पर देख सकते हैं ये नट है, और इसको भी हमने खोल लिया और ये खुल गया। अब देखिए अगर इसको हमें निकालना, ये तो निकल गया ना, अब इसका बचा क्या, कुछ नहीं यार, कंडेंसर है ना, कंडेंसर तो उठाया जा सकता है, लेकिन देखते हैं कहीं स्क्रूप पे टाइट होगा, एक दो स्क्रूप इसके अंदर हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक स्क्रूप ये नीचे की साइड में दिख रहा है, यहां पर एक स्क्रूप यहां है, तो इसको हमें खोलना होगा तभी जाकर के निकलेगा, तो कंडेंसर भी निकलेगा और कंप्रेसर भी निकलेगा। देखिए एक स्क्रूप को हमने खोल दिया उस साइड में, और देखते हैं क्या इधर भी कोई स्क्रूप है, तो यहां पर देखते हैं कोई स्क्रूप है, तो ये एक स्क्रूप इधर भी है, यहां से नजदीक से दिखा सकते हैं, ये जो स्क्रूप है देखिए जंग लगा हुआ सब स्क्रूप है, और यहां से ये स्क्रूप है, इसको भी खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस स्क्रूप को भी देखिए हम खोल लेते हैं और पूरी तरह से, और ये भी अभी खुल रहा है, बिल्कुल खुल रहा है, और इसको भी खोल लिया हमने। अब देखते हैं इसका कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों साथ साथ निकल सकता है, देखते हैं अभी कहा है। ये कंप्रेसर 3 नटों पर रुका होता है, तो इसका नट अभी तो कोई टाइट नहीं है, दिख रहा है खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या रुका हुआ है देखते हैं। देखिए कुछ नहीं रुका हुआ है, ये देखिए हमने पूरा सेट इसका निकाल दिया कंप्रेसर के साथ। अगर हम इस वाल्व को निकालते तो हमें यहां से वेल्डिंग को हटाना पड़ता, या फिर कंप्रेसर को हमें यहां काटना पड़ता, ये पाइपों को काटना पड़ता, यानी इसकी डिस्चार्ज लाइन, कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन केवल जुड़ी है, सक्शन लाइन तो यहीं तक है हमारी वाल्व तक, और डिस्चार्ज लाइन जुड़ी है कंडेंसर से, फिर फिल्टर देखिए यहां पर लगा हुआ है इसका फिल्टर, और ये देखिए कैपिलरी ट्यूब, इसकी देखिए फिल्टर है और फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब जो प्रेशर को कंट्रोल करती है वो भी यहां लगा है। मतलब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदलता है, उसके बाद जाती है इस फिल्टर में, और फिल्टर उसको छानकर शुद्ध करती है, उसके बाद जाती है कैपिलरी ट्यूब में, और कैपिलरी ट्यूब उसके प्रेशर को कंट्रोल करती है, और उसके बाद यहां से निकल के जाती है इनडोर में जहां लगा होता है एवापोरेटर, और एवापोरेटर ठंडा करता है, और फिर से गैस वापस सक्शन लाइन में आती है जो कि यहां है, और यहां से आकर के इसी कंप्रेसर में आ जाते हैं, और ये कंप्रेसर कौन सा है, रोटरी कंप्रेसर। तो इस तरह से देखिए ये सारे पार्ट देख सकते हैं कि हमने यहां पर रख दिया और सारे पार्ट अलग-अलग कर दिए। तो इस तरह से जिस तरह से हमने जिस भी पार्ट को निकाला सेम वैसे ही असेंबल भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से हमारा स्प्लिट एसी के ये सब भाग होते हैं।
अगर इन सब पार्टों से रिलेटेड अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर आपकी वीडियो बना करके देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।